नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है सपनों की उड़ान। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में बताते हैं जिसके लिए ना तो आपको बड़ी डिग्री चाहिए और ना ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए ढेर सारी पूंजी। LIC एजेंट के तौर पर करियर ऑप्शन, बस आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए। इस वक्त मैं 0 माइल्स पर मौजूद हूँ और आप में से बहुत सारे लोग ये समझ गए होंगे कि मैं नागपुर में हूँ। देश के बीचों बीच बसा ये शहर जहाँ से हर जगह की दूरी मापी बढ़ जाती है, फिर चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या फिर पश्चिम। नागपुर में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान से जो देश के नंबर 1 LIC एजेंट है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे 5 बहनों के भाई भरत पारक के सामने अपनी बहनों के विवाह की जिम्मेदारी थी। 1986 में कॉलेज की पढ़ाई करते हुए 300 रुपए के मासिक वेतन पर आप LIC के साथ जुड़ गए। LIC की पॉलिसी बेचने का काम उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। इस काम के बारे में पता चलते ही कॉलेज के दोस्तों ने आपसे बात करनी बंद कर दी। बहनों ने पूछा, क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? यहां तक कि जब खुद की शादी की बात हुई तो होने वाले ससुर को उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ी। आज आप LIC को सालाना 200 करोड़ का प्रीमियम देते हैं और आपकी कमीशन से सालाना आय 4 करोड़ रुपए से अधिक है। आप देश के नंबर 1 LIC एजेंट। तो ये है भरत पारिक की कहानी। देश के नंबर 1 LIC एजेंट है भरत पारिक। नागपुर के किंग्सवे रोड पर उनका ये दफ्तर है। यहाँ पर चलिए उन्हीं से जान लेते हैं उनके सक्सेस मंत्र। और मेरे साथ खुद भरत पारिक मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि उनका इतना लंबा जो सफर रहा वो उन्होंने कैसे तय किया, क्या कुछ मुश्किलों से उन्होंने पार पाई और कैसे आज सफलता की इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। भरत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले यही बताइए कि कब सोचा कि मैं LIC एजेंट बन जाता हूँ? 18 साल की एज में जब कॉलेज पढ़ रहा था, कॉमर्स कर रहा था, तो कॉलेज सुबह की हुआ करती थी, सुबह 7 बजे की, और हम लोग 9:30 बजे तक फ्री हो जाते थे। तो मैंने बोला कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, और क्योंकि फैमिली में आई वॉज यंगेस्ट और मेरे को 5 सिस्टर और 2 भाई थे और पिताजी ऑलरेडी रिटायर हो गए थे, तो फैमिली को सपोर्ट भी हो जाता करके। दैट टाइम आई थॉट एंड आई केम अक्रॉस LIC की करियर एजेंट की एड। उस समय LIC स्टाइफन देती थी 300 रुपये महीना, तो वो अट्रैक्ट करा मेरे को, इसलिए मैं LIC एजेंसी के प्रोफेशन में। इंडिया के टॉप एजेंट है, कैसा लगता है? सबसे पहले तो फॉर मी, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं टॉप हूँ कि नहीं हूँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर को सर्विसेज कैसे प्रदान कर रहे हैं। जब विडो को चेक मिलता है एंड शी फील कि वी हैव वैल्यू एडेड, उसको जब लगता है कि LIC के पैसे से मेरा घर चल रहा है, LIC के पैसे से मेरे बच्चों का एजुकेशन होने वाला है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है दैट ब्रिंग्स अस ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज बहुत सारे युवा है जो इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ हिचकिचाते हैं। जब मैं इस प्रोफेशन में शुरू में किया तो काफ़ी समय दिक्कतें आई और काफ़ी समय सोचता ये था कि जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकल जाओ करके। ये कि ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिवार्ड करेंगे, और रिवार्ड इज़ नॉट ओनली फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग, और द रिकग्निशन फ्रॉम द कॉरपोरेशन, बट इज़ अ रिवार्ड। अपने को जो कस्टमर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बनती है, अपन मैं रोज दिन में करीब 25-50 लोगों को मिलता हूँ,
तो उनसे जो सीखने मिलता किस तरह से बिहेव करना, एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इवॉल्व होती है, यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। इतने साल के करियर में कोई एक चीज़ जो आप आज भी फॉलो करते हैं? अभी भी मैं अननोनली लोगों के पास जाता हूँ, अननोनली क्लेम सेटल करता हूँ, जो उस समय भी करता था आज भी करता था। That is a reason you can say as a one-liner, mantra for the success. Mantra for success. Insurance कितना important है? पहली बात तो insurance is a basic needs. जिस तरह से एक थाली में खाना खाने के समय सब चीज़ें रहनी चाहिए, वैसे insurance एक basic चीज़ है. उस वो एक financial pyramid की सबसे basic strength है. आपका एक तरीका का avenue है, जो आदमी जितना बड़ा है उसको पैसे की उतनी ज़रूरत है, उसके loans liabilities उतनी ही ज़्यादा है, उसको भी इतनी ही नीड है. इट्स नॉट ओनली नीड, आज इंश्योरेंस वांट हो गया है. जैसे फॉर एग्जांपल उसको मर्सिडीज गाड़ी होना तो होना, उसको ऑडी होना तो होना, बीएमडब्ल्यू होना तो होना, सो ही वांट इट. दैट इज द वे एलआईसी आल्सो ही वांट इट, कि मुझे मेरे पास 50 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए, 100 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए, 10 करोड़ की पॉलिसी होनी चाहिए. तो वो एक चाह से लेता है. इट इज़ नॉट वी सेल, इट इज़ वॉट दे डिमांड, बिकॉज ये एक तरीके से वेल्थ ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन को. बाकी सब चीज़ें लिक्विडेट करने को टाइम लगता है. यही पैसा है जो फैमिली में इमीडिएट आता है. आज कोई भी फैमिली, एक बिजनेसमैन या एक सर्विस वाला, कोई भी अपना पैसा खाली नहीं रखता, कहीं ना कहीं डिप्लो करना पड़ता है. वो पैसे सब उसको एक्यूमुलेट करने के लिए, भगवान ना करे कल कुछ हो जाए, तो उसको समय लगता है. और इंश्योरेंस ये इमीडिएटली इंस्टेंटली कैश क्रिएट करता है. क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है इस फील्ड में? बी द एजेंट, नीड टू बी मोर प्रोफेशनल्स, एंड मैं सिंसियरली चाहता हूँ कि अच्छे लोग इस प्रोफेशन में आए, स्पेशली पढ़े लिखे और आए, एक इसको प्रोफेशन करके करें. दैट्स अ वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूशन, एंड LIC itself प्रोफेशन इज द बेस्ट. एक डॉक्टर अच्छा कर रहा है उसको कोई फेलिसिटेट नहीं करते, यहाँ पे मेरे चेयरमैन मेरे को फेलिसिटेट करते, डिफरेंट अवार्ड, डिफरेंट सेमिनार पे मेरे को बुलाते, फिर मुझे काउंसिल, आई एम अ मेंबर ऑफ अ काउंसिल मीटिंग. देयर इज अ लाइफ काउंसिल विच गिव्स सजेशन टू IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज के CEOs उसके मेंबर है. आई एम वन ऑफ द मेंबर इन दैट. दिस इज अ रिकॉग्निशन वी गेट. मनी इज नॉट एवरीथिंग. तो इस प्रोफेशन में मुझे रिकॉग्निशन मिलता है टाइम टू टाइम. कोई अगर युवा आज की डेट में इस प्रोफेशन को पिक करना चाहे, क्या सलाह देंगे आप उस शख्स को? आग बन करके पिकअप कर देना चाहिए. लेकिन हाँ, उसकी दो कंडीशन होनी चाहिए. एक, मेहनत अगर कम लगेंगी तो ये गलत है, मेहनत तो लगेंगी, कोई भी काम करेंगे तो मेहनत लगेगी. सेकेंडली, एक एटीट्यूड रहना चाहिए लोगों को सेवा करने का. एक और अहम बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वो पहले शख्स थे जिसने टोल फ्री नंबर की शुरुआत यहाँ पर की, वो कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? क्योंकि जब आपने शुरू किया शायद तब किसी ने सोचा भी नहीं था इसके बारे में. मैं हमेशा ये सोचता था मेरा कस्टमर क्यों मेरे लिए पे करे, वो मेरे को कॉल कर रहा है. नॉट ओनली टोल फ्री नंबर, मैंने उस जमाने में तत्काल फोन लिया था. पहले तत्काल फोन होता था क्योंकि मेरे यहाँ फोन नहीं था. 30,000 रुपये भरना पड़ता था, तब जाके एक महीने में तत्काल फोन मिलता था. अच्छा. और उस समय मैंने तत्काल फ़ोन लिया तो इनकम टैक्स वाले पूछने लगे, एक नोटिस आ गया कि LIC एजेंट को तत्काल फ़ोन की क्या ज़रूरत पड़ी. 30,000 रुपये हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू. तो टोल फ्री नंबर का कंसेप्ट ऐसा है कि जो कॉल करेगा उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो रिसीव करेगा उसको करना पड़ेगा. तो जब मैंने US में ये कंसेप्ट देखा, जब मैं 1995 में अमेरिका गया था, तब मुझे इसके बारे में पता चला. तो मैंने बोला वाई माई कस्टमर शुड पे, इसलिए मैंने मेरे ऑफिस में वो फ़ोन इंस्टॉल किया. एंड पीपल वेयर सो हैप्पी, उनको उसके कारण पता चला कि मेरा एटीट्यूड क्या है सर्विस देने का और कहाँ तक आगे जा सकता. आप जिस मुकाम पर हैं उसका श्रेय किसे देते हैं सबसे पहले? नेचुरली बबीता, माई वाइफ, बिकॉज शी इज़ विथ मी हैंड इन हैंड. पूरी बैक ऑफिस, क्योंकि मैं फील्ड में बहुत बिजी रहता, तो शी टेक्स केयर, रेगुलरली मॉनिटर करते हैं. स्पेशली मैं काफ़ी ट्रेवल भी करता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, कभी स्टडी टूर के लिए, कभी मेरे खुद के एजुकेशन के लिए, तो वो पूरा संभालती है. सेकेंडली, घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो उसके कारण भी मैं फ्री रहता हूँ. आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर माई बिजनेस ऑल्सो. इंश्योरेंस लें तो किस बात का ध्यान सबसे पहले रखें? तो फर्स्ट इज अ प्रोफेशनल एजेंट, सेकेंड इज अ कंपनी, किस कंपनी से डील कर रहा है. जैसे लाइफ इंश्योरेंस, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, उसका क्लेम रेशियो अच्छा है ना, 99.9% क्लेम रेशियो है, विच इज अ वर्ल्ड बेस्ट. और एक पॉलिसी या एक मैं कहूँगी कि कौन सा वो प्लान है जो आप मस्ट कहते हैं अपने किसी भी कस्टमर को? फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देखते हुए एक कौन सा प्लान है, अगर मस्ट कहे मेरे को पूछेंगे, बिकॉज आई लव इन सेलिंग. व्हाई आई लव इन सेलिंग? बिकॉज आई बिलीव दैट इज़ अ बेस्ट, एंड आई हैव सीन पीपल हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट, इज़ अ पेंशन प्लान. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू. तो ये थी भरत पारेख की कहानी.
और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे सक्सेस मंत्रास आपको उनसे यहाँ पर जरूर मिले होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक और खास मेहमान से मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ। डैड, अगले हफ्ते मैं कितने साल की हो रही हूँ? 18 तो पिछले साल की तरह कोई टेडी बियर या रोबोट मत लाना। देखना कहीं ये टेडी बियर तो नहीं है, देखो जरा। वाओ, थैंक यू डैड। एक पेंडेंट काफी होता? बेटी बड़ी हो गई है, उसके फ्यूचर के लिए छोटा छोटा नहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट। उसकी खुशी है हमारी तैयारी। LIC के सिंगल प्रीमियम प्लान्स, बार बार प्रीमियम नहीं, सिर्फ एक प्रीमियम का इन्वेस्टमेंट और जिंदगी भर की निश्चिंता। One little slip and conversation ceases. Heart rates pound and oh, the profanity. Unless you have the Moto X Force with the world's first shatterproof screen. In which case, whatevs. Hair for sure. इसमें है रोटेक्सिल, एक ब्रेक थ्रू हेयर रीग्रोथ कॉम्प्लेक्स, जिसका फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला बालों को जड़ से इफेक्टिवली उगाता है। न्यू हेयर फॉर श्योर हेयर ग्रोथ अब क्लिनिकली प्रूवन है। दीमक पालने का शौक है? Then Syntex Doze makes no sense. लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन Syntex Doze, we make sense. अगर हम सच के साथ हैं तो हमें जीतने तक हार नहीं माननी चाहिए। Mango Sip celebrates the spirit of heroism in Ghayal once again. हर किसी को किसी न किसी चीज की खोज है। अजीम को प्रेम जी की खोज है, रतन को टाटा की खोज है, मुकेश को अंबानी की खोज है, लक्ष्मी को मित्तल की खोज है, और सचिन को क्या तेंदुलकर की खोज है। इंडिया की हर खोज इंडिया मार्ट से शुरू, इंडिया मार्ट खत्म, indiamart.com, क्योंकि काम ही बनता है। यह है HP लुब्रिकेंट्स की A टू Z कहानी। A से सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में नहीं हम, B से बताएं कि C से छोटे नहीं इतने हम, क्योंकि D से डिफेंस में जोश भरते हैं। E से बनती इलेक्ट्रिसिटी, HP लुब्रिकेंट्स A टू Z आपके काम आते। दो घूंट की बात है, बस दो घूंट की बात है। पतंजलि आमला जूस और एलोवेरा जूस के दो दो घूंट, इनके प्राकृतिक गुण जगाए आपकी सेहत, त्वचा और बालों में नई चमक और दिलाए कब से छुटकारा। पतंजलि स्वरस सबको करेंगे सूट, सेहत के दो घूंट। दो घूंट की बात है। पापा जी, वजन चाहे जितना भी हो बड़े आराम से उठाए BKT टायर। BKT टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। सोसाइटी का सेक्रेटरी तो आपको ही बनना पड़ेगा। कल तक तो मैं ओए सक्सेना था, आज सेक्रेटरी। वारी दुनिया, यहाँ दीवारों पे प्लास्टिक पेंट चढ़ा, वहाँ हमारा स्टेटस बढ़ा। आम डिस्टेम्पर से 1.5 गुना ज्यादा फैले एशियन पेंट्स ट्रैक्टर इमर्शन, कम खर्चा फुल चर्चा। मेरा काम आसान नहीं, पहले ये सब नहीं कर पाता था, फिर मेरे डॉक्टर ने बताया ये बी विटामिन्स की कमी हो सकती है और रोजाना न्यूरोबायन फोर्ट लेने की सलाह दी। न्यूरोबायन फोर्ट इंडिया का नंबर 1 विटामिन ब्रांड, और मैं अपनी बिटिया का नंबर 1 हीरो। स्लाइस, अब तो आंखें बंद करके भी पहचान जाओगे रंग और रस ऐसा, बाकी सब फीका पड़ जाएगा। क्या महक है, स्वाद और खुशबू का अनोखा संगम, तड़के का एटम बम, गाय चाप मिर्ची। मोबाइल केबल्स, आग, शॉर्ट सर्किट और बढ़ते इलेक्ट्रिसिटी बिल से बचाएं, करो जिंदगी की नई शुरुआत। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तो।
सोचो ऐसा क्या करता है। शुद्ध भूलो शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। सरकारी नौकरी छोड़कर LIC एजेंट बने भीमन दास और इस साल 40 साल पूरे कर रहे हैं वो LIC के साथ। तो चलिए अब आपकी मुलाकात मैं उन्हीं से करवा देती हूँ और जानिएगा जरूर और ध्यान से सुनिएगा उनके सक्सेस मंत्र। LIC के आज के सफल एजेंट भीमन दास लेक्चरर थे। अपने बचे समय में अतिरिक्त आय के लिए आप ट्यूशन पढ़ाया करते थे। इसी दौरान आपकी मुलाकात LIC के DO से हुई और आपने उनकी बात मानकर 1976 में LIC एजेंट बनकर पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। चीजों को बेचने का स्वाभाविक गुण आपके अंदर शुरू से ही था। जल्द ही आपने LIC के एजेंट के रूप में सफलता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी और अपने लक्ष्य की पूर्ति में लग गए। आज आप देश के सफलतम LIC एजेंट्स में से एक हैं। आपका बेटा जो MBA की पढ़ाई करने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था, वो अपनी जॉब छोड़कर आज LIC के साथ जुड़ गया। LIC में सफलता की तमाम ऊंचाइयों को आप छू चुके हैं। भीमन दास जी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी छोड़कर एक LIC एजेंट की नौकरी करते हैं। आपने कैसे ये प्रोफेशन चुना और क्या सोचा आपने जब आप यहाँ पर आए? था 5-6 दिन तक तो नींद ही नहीं आती थी, क्या करें, छोड़ें कि क्या करें, छोड़ें कि क्या करें। काफ़ी कॉलेज से भी पूछा, दोस्तों यारों से पूछा, जो यहाँ के लोकल दोस्त थे तो वो लोग तो बोल रहे थे कि नौकरी पकड़ के रखो। लेकिन एक हमने कोर्स किया बॉम्बे में भी, हमने वो एक दिन मीटिंग की बॉम्बे बोल रहे हैं USA, वहाँ डेल कैर्नेगी का ये था, वो बोला कि रिस्क चाहिए, कि बिना रिस्क के कुछ नहीं। तो हमने ये, वो भी सबसे टफेस्ट इंश्योरेंस जॉब जो है, सर्विस सबसे टफेस्ट होती है। तो मैंने कहा कि इंश्योरेंस बेचूँगा, क्योंकि इंश्योरेंस जो बेचेगा तो कुछ भी बेच सकता है ऐसा। मैंने उस फिर हमने डिसाइड कर लिया कि मैं रिस्क लेता हूँ और मैंने एक दिन के अंदर फिर हमने जॉब छोड़ के, मैं जॉब एक्सेप्ट ही नहीं की, मैं कंटिन्यू एजेंसी करने। सर, आपका सक्सेस मंत्र क्या है? क्योंकि लोग हार्डवर्क में और बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं डेडिकेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। इतने इतना बेस्ट जीवन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही, किसी को टाइम नहीं है, तो आज के दिन में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका रिलेशन कभी भी ज़िंदगी में हमारी गारंटी है ख़राब नहीं हो सकता, अगर 3 चीज़ों को याद रखेंगे। 3 चीज़ों से दूर रहिए और 3 चीज़ों को लेके चलिए। पहले मैं बताता हूँ 3 चीज़ कौन सी हैं जो दूर रहना है। 3 चीज़ दूर रहना है, नेवर नेवर नेवर, 3 C है, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडम। तो एकदम आदत बनाइए कि क्रिटिसाइज करिए, हेल्दी क्रिटिसाइज करिए, हमेशा कोशिश करते हैं थैंक्स बोलने का और रिलेशन मेंटेन करने का। और 3 चीज़ हम मैंने देखा है इंश्योरेंस में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं, एक रिलेशनशिप और दूसरा नॉलेज और कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लिसनिंग। लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आधा घंटा हमें बोल दिया, 20 मिनट हम उसका सुन लिए,
तो मैं गारंटी देता हूँ, श्योर है कि हमारा वो क्लाइंट बन जाएगा। आपके बेटे ने MBA की, वो नौकरी कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ी और फिर आपके साथ इसी प्रोफेशन में आ गए। नौकरी को मैंने कहा, वो उन्होंने 5-6 साल 5.5 साल नौकरी की, सुना गया तो वहाँ देखते हैं एक फ्लैट लिए हुए थे, ये दो लड़के मिलके रहते थे, इनका बस आता था लेने के लिए, 9-9:30 बजे बस आ जाती है, ये लोग उसी समय कभी जल्दी जल्दी कभी बिना खाए चले जाते हैं, फिर करने का तो वहाँ 7 बजे तक होता है ड्यूटी, मगर वो बस वहाँ से 7-7:30 निकलती है, घूमते घूमते 9 तक पहुँचाती है, मोन तो प्रैक्टिकली 12-13 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो मैंने कहा अगर तुम अपना ये अपनी बिजनेस करते हो, सेल्स में रहते हो, तो उससे बहुत ज़्यादा कमाओगे, शुरू में तो मेहनत लगेगा, कभी कभी अभी भी उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, यहाँ तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ऐसे करो, लोगों से मिलो, कम से कम 4-5 लोगों से मिलो। सर आपका सक्सेस मंत्रा क्या है, क्योंकि आप पिछले इतने सालों से हैं इस प्रोफेशन में, आप 40 साल इस बार पूरे करने वाले हैं, तो परेशानियां जाहिर तौर पर बहुत सारी आई होंगी। तो अब TOT करने की एक हैबिट बन गई है, अभी MDRT लोग करते हैं एक साल में, अभी हुआ एक महीना, मैंने जनवरी में ही MDRT कर ली, मैं लोगों से मिलता हूँ, कैसे हैं, हालचाल क्या है, मॉर्निंग से ही समझिए हमारा बिजनेस समझिए, या ऐसे मॉर्निंग वॉक से ही मैं लोगों से मिलना शुरू कर देता हूँ। ये लाइन इतनी अच्छी है, दूसरी लाइन में जिस जो इसमें इतना रिन्यूअल अच्छा है, दूसरी लाइन में नहीं है, हमने देखा ये बेस्ट लाइन है। अगर पहला 10 साल काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, अगर पहला 10 साल कोई मेहनत कर लिया, उसके बाद वो सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भीमनदास जी, आपसे थैंक यू। और आज दो खास मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात कराई, और जाहिर तौर पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर आप एक LIC एजेंट कैसे बन सकते हैं, तो देखिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, आपकी 12वीं की शिक्षा पूरी होनी चाहिए और आप LIC एजेंट बन सकते हैं। ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप एजेंट स्पेस अपने शहर का नाम लिखे और हमें भेजते 5676747 पर। साथ ही आप www.licindia.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं, 50 घंटे की ट्रेनिंग LIC आपको देगा, उसके बाद IRDAI एक छोटा सा एग्जाम आपसे लेगा और उस एग्जाम को पास कर आप एक LIC एजेंट बन सकते हैं। देखिए आपके सपनों को नई उड़ान यहाँ पर मिल सकती है और आगे बढ़कर आप अपने भविष्य को भी यहाँ सवार सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, एक बार फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, कुछ और ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगी जिनकी कहानियां सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, प्रेरणादायक कुछ और कहानियां अगले हफ्ते। नमस्कार।